खबर दे रहे हैं आपको, पाकिस्तान में इंसानियत की खिदमत के लिए समर ट्रस्ट मैदान अमल में आ गई। हजारों अफराद को खाना, मेडिसिन और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया फ्राहम की जा रही हैं। इसी पर बात करते हैं डायरेक्टर न्यूज रहमान यूसुफ से। जी रहमान, बताइएगा कि समर ट्रस्ट अभी तक किन किन इलाकों में काम कर रही है? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इंसानियत की खिदमत के लिए मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब से मुतासर इलाकों में समर ट्रस्ट मैदान अमल में आकर अब तक हजारों अफराद के लिए खाना, मेडिसिन और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया मुतासरा इलाकों में तकसीम कर चुकी है। सिंध, बलूचिस्तान और हैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में लाखों लोग तैयारों मददगार थे। समर ट्रस्ट से मुतासरा इलाकों में खाना, इलाज व मालिज के लिए फ्री मेडिकल कैंप समेत हर किस्म की इमदाद जो है वो उन इलाकों में तकसीम की जा चुकी है जहाँ मुतासर लोग सैलाब से। जब हमारी चेयरमैन समर ट्रस्ट से बात हुई तो उनका कहना था कि इस मुश्किल वक्त में सैलाब से मुतासर अपने हम वतनों की हर मुमकिन इमदाद की जा रही है। समर ट्रस्ट का मकसद सिर्फ इंसानियत की खिदमत है और ये सिलसिला जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। खबर दे रहे थे आपको, पाकिस्तान में इंसानियत की खिदमत के लिए समर ट्रस्ट की जानिब से दीगर इलाकों में खाना, मेडिसिन और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया फराहम की जा रही है।